ये कैसा हो गया भाई, देखो कैसे काट रहे हैं दादाजी। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग ट्रॉल पे। फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ चिल्पी घाटी, जो कि कवर्धा का सबसे बड़ा घाटी है। ये वाली जो रोड है ये सीधा गई हुई है कवर्धा सिटी से। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चिल्पी घाटी के लिए। यहाँ से वही 27 से 30 किलोमीटर दिखला रहा है गूगल मैप पे। फर्स्ट टाइम जाना हो रहा है, कभी गया नहीं हूँ मैं चिल्पी घाटी। नाम बहुत सुना हूँ। कवर्धा सिटी का व्लॉग नहीं देखा है तो देखेगा, सिटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी वो मैं दिया था वीडियो पे। यहाँ पे आप रुक भी सकते, होटल वगैरह भी है यहाँ पे। बहुत बड़ा सा मार्केट है। अभी टाइमिंग की बात करूँ तो 4:10 हो रहे हैं। अब देखना ये है कितना टाइम लगता है चिल्पी घाटी पहुँचने के लिए। रोड अच्छी रहेगी तो अपन जल्दी पहुँच जाएंगे, नहीं तो फिर टाइम लग सकता है। मैप के थ्रू हम लोग चल रहे हैं अभी फिलहाल। यही वाली रोड हो सकती है। अभी काम चल रहा है इस रोड में। अरे भाई साहब, एक ट्रक आ रही है। ओवरटेक नहीं करते, बाबा ने तो घसीट देगा हमको। मस्त बह रहा पानी। टाइम बहुत कम हो गया है, कोशिश यही कर रहे हैं जल्द से जल्द हम लोग पहुँचने। रात हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर हम लोगों को रिटर्न है भिलाई के लिए। वर्धा का स्कूल है। तो इस जगह का नाम है पौड़ी। पौड़ी होते हुए आना है आपको चिल्पी घाटी के लिए। कहीं मुड़ना नहीं है जिस रोड को मैं आप लोगों को दिखलाया हूँ, उस रोड से बस सीधा ही सीधा आना है। अब यहाँ से हम लोग मुड़ रहे हैं लेफ्ट, सीधा नहीं जाना है। ये सब्जी मंडी और ये थाना है। होंडा शोरूम है इस साइड। तो यहाँ पे गेड़ के रखे बोड़ला करके लिखा हुआ है। यहाँ पे सब टाइपिंग कर रहे हैं, यानी कोर्ट कचहरी है। बहुत बड़ा है चिल्पी घाटी, सुना था बहुत नाम। आज चलो देखने को मिलने वाला है। तो ये सीधा वाली रोड चलना है अपने को। सामने में मार्केट वगैरह सब दिख रहे हैं। कुछ खाना पीना चाहते हो तो यहाँ पे मार्केट में तो आपको मिल जाएंगे खाने पीने से रिलेटेड। अब ये कौन सी जगह है वो देख लेते हैं। नाम तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है मेरे को। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इस तरह से लगाए हुए हैं। और रोड यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे अभी बनना स्टार्ट हो चुका है, तो आने वाले समय में आपको और अच्छी रोड मिलने वाली है। गाड़ी के शोरूम भी जगह जगह पे हैं। बजाज का शोरूम है, होंडा का शोरूम है, हीरो का शोरूम है। गौ माता सब अपने अपने गौशाले जा रहे हैं। धीरे धीरे चिल्पी घाटी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। समय की बात करूं तो 4:35 हो चुके हैं। इस साइड का जो रोड है ना, पूरी मक्खन रोड है। आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। अब देख रहे हैं धीरे धीरे घाट के ऊपर चढ़ना चालू कर रहे हैं हम लोग। मोड़ देखिए, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे बड़े बड़े मशीन जैसे ट्रैक्टर है, चालू तो हो चुकी है घाट। वैसे मैप में दिखला रहा है 13 किलोमीटर आगे। रोड काफी अच्छी है। प्यारा सा मंदिर है, हे बजरंग। अरे वाह, क्या नज़ारे हैं। बताओ लोग पैदल पैदल भी जा रहे हो उस साइड में। यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंड का एहसास हो रहा है इस साइड मुझे। चिल्पी घाटी आगे साइड में है, अभी शुरुआत नहीं हुआ है चिल्पी घाटी का। बहुत सारे पहाड़ इस साइड, पूरे हरे भरे पेड़ पौधे, खेत खलियान यही देखने को मिलेगा। ये देखिए पहाड़, सूरज देवता छुप चुके हैं बादलों में।
अब यहाँ से चढ़ाई चालू होने वाली है चिल्फी घाटी का। ट्रक आ रहे हैं और यहाँ पे ना ठंडी लग रही है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। ये देखो मैंने टी शर्ट बस पहना हुआ है। क्या नज़ारे हैं, सूरज देवता को देखिए, बादलों से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पे ढाबा जैसा बना हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे सब फ़ोटो शूट कराने के लिए रुके हुए हैं, इस नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहे हैं सब। यूपी ढाबा, ढाबा मिल जाएगा आपको। खाने पीना चाहते हो तो यहाँ पे खा पी सकते हो। यहाँ पे कुछ मंदिर जैसा बना हुआ है और ये है मंदिर, जय माता दी। ये जो रोड है ये जबलपुर के लिए भी जाती है। यहाँ से जबलपुर की दूरी है 211 किलोमीटर। अब यहाँ से चालू हो गया है घाट, ये रहा घाट, प्रारंभ हो चुके हैं चिल्फी घाटी का। वहाँ पे बहुत सारे गाय हैं और यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ठंडा है। इस साइड भी पहाड़ है, इस साइड पूरा चट्टाने हैं। भाई साहब मेन पार्ट की याद आ गई, मेन पार्ट में भी इस तरह से घाट है, वहाँ पे पूरा ट्रक पलट गया है। ये कैसा हो गया भाई, तो होता ही रहता है घाट वगैरह में एक्सीडेंट वगैरह। सूरज देवता है अभी तक, जब तक ये हैं तब तक अपन वीडियो बना सकते हैं। एमपी से भी आना जाना होता है, ट्रकें भी आ रहे हैं साइड। कभी भी घाट में ओवरटेकिंग मत करिएगा और संभाल कर चलाइएगा। और वहां से पूरे ट्रक वगैरह आ रही है, देखो कितने ऊपर में है, देखो कैसे काट रहे हैं दादाजी। चिल्फी घाटी, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर मैं दोपहर को आ रहा था ना और अच्छा लगता मुझे। आसपास के एरिया भी देखता ना मैं, घूमने लायक जगह है कि नहीं है, है तो ज़रूर बताइएगा। अभी मेरी गाड़ी सेकंड गियर में है, चढ़ाई के समय में फर्स्ट गियर में लाना पड़ता है। अरे वाह क्या नज़ारे हैं, बहुत टाइम लग जाएगा इनको काटने में। मैं यहाँ से लेके नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ से भी अगर कोई ट्रक आएगी तो चढ़ा देंगे वो। देखना कैसे काटेंगे ये। इतना बड़ा मशीन को लेके जा रहे हैं, अब फिर यहाँ से काटेंगे। ये देखो आ गई ना, इसीलिए ओवरटेकिंग बिल्कुल नहीं करने का, करना भी है हॉर्न देते रहिए, आगे बढ़ जाइए, जैसे कि ऐसे ऐसे हॉर्न दीजिए और बढ़ जाइए आगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इस साइड से भी ट्रक आ रही है, बिना हॉर्न दिए तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। द्विवेदी भाई लोग आगे निकल गए हैं, मैं पीछे रह गया हूँ। एक ट्रक और आ रही है,
अरे बाबा रे, अबे कैसे काटेंगे? तो इस रोड में आती रहती है ट्रक, अधिकतर ट्रक ही मिलेंगे आपको। ये जो रोड है एमपी जाती है, अरे बाप रे, फर्स्ट और सेकंड गियर पे ही चल रही है, तीसरे गियर पे तो उठा ही नहीं पाती अपनी राम प्यारी। आवाज आ रहा है बहुत ऊपर आ गए हम लोग। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड और बढ़ते जा रही है। काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, उस साइड से भी ट्रक आती है और इस साइड से भी ट्रक जाती है, और ये पूरा एमपी से आ रही है माल। जबलपुर जाने के लिए यही वाली मार्ग है जो यहाँ से आप जा सकते हो। नज़ारा देखिए आप, आसपास का एरिया देखिए, बहुत खूबसूरत सा एरिया है। लेकिन अभी शाम के 5:30 हो गए हैं, सूरज देवता ढल चुके हैं, इस वजह से अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा आप लोगों को। लेकिन ये देखिए ट्रक कैसे कटते जा रही है, चीज को देखने के लिए हम लोग भिलाई से आए हैं। ड्रोन होता तो आपको उड़ा के दिखला और अच्छे से दिख पाता। गाइस, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो पे।